स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रैवल लवर्स में एक बार फिर से। मैं सूरज कश्यप और मेरे साथ जो मेरे दोस्त उपस्थित हैं सजल शुक्ला एंड प्रशांत दीक्षित। तो अब आपको बताएंगे सजल शुक्ला कि हम आपको आज कहाँ ले चल रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है, तो अच्छे से हमारा पूरा वीडियो देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और आगे की जानकारी आपको सजल शुक्ला देंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सजल शुक्ला, आपका दोस्त। तो आज हम आपको जिस जगह ले चल रहे हैं वह बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ शंखचूड़ा है, जहां काफ़ी बढ़िया जगह है शंखचूड़ा, जहां पर विदेश विदेश के लोग आते हैं। अभी कुछ ही दिन पूर्व यहां पे एक प्रोग्राम आयोजित हुआ था जिसमें बौद्ध धर्म अनुयायी के दलाई लामा जो गुरु हैं बौद्ध धर्म अनुयायी के, वो वहाँ आए थे, कुछ दिन रुके थे। उन्होंने पूरा शंखचूड़ा तीर्थ घूमा था, सैर करा था और वहाँ पर अपने विचार व्यक्त किए थे। तो आइए हम आपको उसी जगह शंखचूड़ा में चलते हैं। तो हम चल रहे हैं इस समय शंखचूड़ा की ओर, जो कि आपको मैं इसका रूट बता दूं कैसे क्या पड़ेगा। आप कानपुर साइड से अगर आते हैं तो आप पहले तो आपको फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट में आना पड़ेगा। फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट से आपको या तो फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट सीधे नवाबगंज, नवाबगंज से अचरा, और अचरा से सीधा शंखचूड़ा के लिए आपको वहाँ से अलाउड है, बसें हैं, टैक्सी वगैरह हैं, सारी चीज़ें सुविधा उपलब्ध हैं। और अगर आप एटा साइड से आते हैं तो आपको एटा से अलीगंज, अलीगंज से शंखचूड़ा के लिए, अलीगंज से अचरा और अचरा से शंखचूड़ा के लिए आपको रूट उपस्थित है। यहाँ पर वगैरह टेम्पू वगैरह हैं, आप इसे यहाँ जा सकते हैं। और अगर आप मैनपुरी साइड से आते हैं तो मैनपुरी से आप सीधे शंखचूड़ा ही आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, किसी प्रकार का कठिन रूट नहीं है। आप आराम से आइए, यहाँ घूमिए, यहाँ की सैर करिए, बहुत ही बढ़िया जगह है। और ये मैनपुरी, एटा और फर्रुखाबाद तीनों के जो बॉर्डर हैं उनके सेंटर पे स्थित है शंखचूड़ा, जो कि तीनों के सेंटर पे स्थित है और बढ़िया जगह है घूमने लायक जगह है। और हम लोग पहुँच चुके हैं शंखचूड़ा, यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर दूर है और लगभग पहुँच ही चुके हैं। और ये है जापानी होटल, ये यहाँ पर जो टूरिस्ट आते हैं वो रुकते हैं, काफ़ी अच्छा होटल। और ये हम आपको दी रॉयल रेजिडेंसी यूनिट ऑफ इंस्पेक्ट ट्रेवल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये है जापानी होटल जिसे बोलते हैं, ये स्टार कैटेगरी का होटल है। और ये देख सकते हैं आप, काफ़ी अच्छा बना हुआ है शंखचूड़ा। और यहाँ पर ये दूसरी बस आती हुई, पर्यटकों की दूसरी बस आती हुई यहाँ पर बाहर से आते हुए पर्यटक, और हम चलेंगे टीले की तरफ। और यहाँ आप देख रहे हैं बहुत इच्छुक लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, और कुछ कैंप्स लगे हुए हैं यहाँ पर पीछे से, आप देख सकते हैं यहाँ पर निगाह आएगी आपके। और आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ के जो दीवान जी हैं ये व्यवस्था देख रहे हैं यहाँ किस समय। अच्छा अच्छा सॉरी, ये पुजारी जी हैं, और आपको प्रतिमा दिखेगी पुजारी जी। ये जो प्रतिमा है ये जी बिसारी देवी प्रतिमा है, इनके बारे में क्या मतलब? यहाँ विवाद चल रहा है हिंदू धर्म बौद्ध धर्म। जी जी जी, मतलब बुद्ध धर्म को मानना है भगवान बुद्ध सुरक्षित रहे थे, हिंदू धर्म के जो लोग हैं वो सारी देवी के नाम से इसी मूर्ति की पूजा करते हैं। जी आपने देखा, पुजारी जी ने बताया कि जो जैन धर्म के हैं वो बताते हैं कि जो बुद्ध धर्म के लोग हैं वो बताते हैं, जो बुद्ध धर्म के जो लोग हैं बताते हैं कि यहाँ पर बुद्ध जी श्री स्वयं सुतरे थे, और हिंदू लोग कहते हैं कि नहीं, ये हमारी प्रतिमा है, हमारी देवी जी हैं। यहाँ पर विदेशी पर्यटक आते हुए और सीधा ये बुद्ध जी के यहाँ जाएंगे, और इनके जो गाइडर हैं आप देख सकते हैं वो गाइडन को सब गाइड कर रहे हैं कि क्या चीज़ का कौन सी क्या इसका क्या मीनिंग है, क्या मीनिंग नहीं है। और ये आप देख सकते हैं बचाव के लिए यहाँ पर इनके पास ये मुँह रखे हुए हैं अपना पोल्यूशन ढकाने बचाने के लिए। और ये लोग इसी बस से आए थे, आप पिछले बार बस देख रहे हैं, आपको दिखा पहले एक बार फिर इसी बस से ये लोग आए हुए हैं, ए सी बस आइए।
इसमें काफ़ी अच्छी सुविधाएँ होती हैं। और ये कुछ पटक और आते हुए पीछे से ये इनके गाइडर आगे चलते हुए आप देख रहे हैं कि यहाँ की खूबसूरती कैद करने के लिए सबके हाथ में अपने पास अपना अपना कैमरा है। हमें टूट गई थी तोड़ी गई है ये और यही ये आप देख सकते हैं इन पे बहुत भगवान की प्रतिमा आपको दिख रही होगी, सोने की से पत चढ़ी हुई है। जूम करके दिखाएंगे आपको। और अब हम चलते हैं अपने अगले नए मंदिर की ओर। अब हम लोग पहुंच चुके हैं कंबोडियन बुद्ध विहार। कंबोडियन जो मंदिर है बुद्धिस्ट का, ये उसका व्यू है बाहर का। और हम लोग अंदर जाके पता करेंगे कि यहाँ की क्या स्टोरी है। और अब हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ का बहुत ही सुंदर मंदिर, कंबोडियन मंदिर। ये है कंबोडियन मंदिर। और अब हम अंदर जाएंगे और देखेंगे कि यहाँ की सुंदरता क्या है और क्या यहाँ की खासियत है। ये दो स्तंभ बने हुए हैं, ये देखिए आप। और अब हम पहुंच चुके हैं कंबोडियन टेंपल और अंदर का नज़ारा देखेंगे कैसा है बना हुआ है। सही से दिखाऊंगा यार, ऊपर चढ़ने दो। और यहाँ बुद्ध की प्रतिमा, ये बहुत ही अच्छा बना हुआ है मंदिर। और ये झूमर काफ़ी सुंदर झूमर लगी हुई है। ऊपर सीलिंग में भी काफ़ी अच्छी पेंटिंग दिखाई गई है और बहुत ही मेहनत लगी होगी ये पेंटिंग्स बनाने में। और अभी हमने देखा मंदिर को अंदर से, ये बाहर का व्यू है मंदिर का, काफ़ी अच्छा। ये और बहुत ही सुंदर मंदिर बनाया है। बाहर नीचे दिखा थोड़ा। और ये गेट है। काफी अच्छा गेट बना हुआ है। अब
और ये अशोक गज स्तंभ है ठीक कंबोडियन मंदिर के सामने। YBS Healthcare का है। ये ऊपर आती अशोक यहाँ पे डोनर्स के नाम है, ये दूसरी लैंग्वेज में। ये है यहाँ का वर्ल्ड का टालेस्ट अशोका पिलर। संकेसा इसकी हाइट 80 फीट, ग्राउंड ब्रेकिंग जो 27 नवंबर। एक बार आपको और दिखाते हैं कि वर्ल्ड का टालेस्ट अशोका पिलर है।